फ्रेंड रुचिका दिस साइड, वेलकम टू हिडन ट्रेजर। आज की हमारी रेसिपी है मूंग दाल के वड़े। अगर आपने दिल्ली में लाजपत नगर में शॉपिंग करी है तो ये आपने वहाँ पे ज़रूर खाए हो। वहाँ पे इन्हें रामलड्डू के नाम से जानते हैं। वेल, मैंने तो बहुत खाए हैं और नाम लेते ही मेरे मुँह में पानी आ रहा है। सो, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स चेक आउट द इंग्रेडिएंट गाइस। राम लड्डू के लिए मैंने ये एक कटोरी मूंग दाल और आधा कटोरी चना दाल ली है। इनको रात को भिगो दिया था और अब इनको मिक्सी में दोनों को साथ में पीस रही हूँ। हमें दरदरी सी दाल पीसनी है, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट उसका नहीं बनाना है। ये बिल्कुल सूखी दाल पीसी है मैंने, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया है क्योंकि हम आगे जो बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे उससे दाल थोड़ी सी गीली होगी ही, और तो इसलिए बिल्कुल सूखी पीसनी है। और दाल देखिए दरदरी सी पीस के तैयार है। इसके थोड़े से मोटे मोटे चंक्स जब आप बड़े बनाते हैं वो आते हैं मुंह में तो बल्कि टेस्ट अच्छा देते हैं। ये मैंने दाल एक बाउल में ट्रांसफ़र कर ली है और अब हम इसकी साथ की चटनी बनाने की तैयारी करेंगे। ये मैंने धनिया, पुदीना और मूली के पत्ते उसकी स्टेम्स के साथ ही लिए हैं, और इसमें हरी मिर्ची और आधा प्याज भी है। प्याज बहुत ज़्यादा मत डालिएगा और वो भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाते तो यू कैन कम्प्लीटली अवॉइड इट। और ये एक नींबू इसमें मैंने निचोड़ा है। खटाई इसमें थोड़ी ज़्यादा ही जाएगी क्योंकि ये चटनी थोड़ी खट्टी होती है, तो नींबू भी होगा और आमचूर भी होगा। ये आधी चम्मच पहले नमक डाला है, 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची डाली है। मेरी हरी मिर्ची तीखी थी इसलिए मैंने लाल मिर्ची कम डाली है, आप अपनी मिर्ची अपने अकॉर्डिंगली डालिएगा। थोड़ा सा जीरा डाला है और ये आधी चम्मच के करीब आमचूर डाला है। चटनी हमारी पीस के तैयार है। इसका एक चम्मच मैंने जो दाल का बैटर पीस के रखा हुआ था मैं उसमें डालूंगी, और उसमें आधा चम्मच जीरा जाएगा, आधा चम्मच नमक जाएगा और 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची की जाएगी। मिर्ची अपने अकॉर्डिंगली डालेगा क्योंकि हमने हरी चटनी में भी मिर्ची डाली थी इसलिए मिर्ची ज़्यादा ना हो जाए। अब हम इस दाल को बीटर्स की हेल्प से बीट कर लेंगे। हमें इसको बहुत फ्लफ़ी बनाना है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आपको एक काम हाथ से करना पड़ेगा और काफ़ी देर तक करना पड़ेगा। ये येलो कलर की होती है जब हम इसको पीसते हैं, और हमें इसको मिक्स कर कर के हिला हिला के वाइट कलर पे लेके आना पड़ता है। बीटर से काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, हाथ से थोड़ी ज़्यादा देर लग जाती है। मेरे पास बीटर था इसलिए मैं उसको बीटर की हेल्प से बीट कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं हो तो आप हाथ से भी कर सकते हो। ये लास्ट में मेरा मैजिक इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से आपके वड़े बहुत ही फूले हुए और सॉफ्ट बनते हैं। मैं इनो यूज़ कर रही हूँ, आधा चम्मच इनो। ऑयल मैंने पहले ही गरम कर दिया था। जब आप बिल्कुल बस वड़े डालने हो उसी टाइम आप इसमें मिक्सचर में इनो डाल के अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिएगा, थोड़े ज़्यादा देर चला के, कि इनो पूरे बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। और बस इनको हम सीधे कढ़ाई में उसके बाद तलेंगे, इसलिए ऑयल अपना पहले से गरम रखिएगा। ऑयल हमें मीडियम हीट पे रखना है। अगर बहुत ज़्यादा तेल गरम होगा तो आपके वड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से वो आपको पके हुए लगेंगे, और इन वड़ों को हमें डबल फ्राई करना है। तो एक बार ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद हम इसको वापस निकाल के फिर से डालेंगे अच्छे से उनको अंदर से सेकने के लिए। वड़े मेरे काफ़ी अच्छे फूले हैं क्योंकि मैंने दाल भी बहुत अच्छी फेटी थी और उसमें इनो भी डाला था, दोनों ही की वजह से वड़े काफ़ी अच्छे फूले हैं और वो अंदर से सॉफ्ट भी बने हैं। वड़े मेरे फर्स्ट फ्राई हो गए हैं, अब मैं इनको एक बार निकाल दूंगी और फिर से सेकंड टाइम उसको फ्राइंग के लिए डालूंगी। सेकंड टाइम फ्राई के टाइम ऑयल हमें हाई हीट पे ही गरम करना है और हार्डली फॉर 2 मिनट्स हम उसको फ्राई करेंगे और फिर निकाल लेंगे। और ये हमारे वड़े बनके तैयार हैं। और मूली मैंने पहले से कद्दूकस करके रखी हुई थी, चटनी बन गई है। और
ये देखिए कितने अंदर से सॉफ्ट बने हैं और फूले हुए हैं, बहुत अच्छा स्पंज आया है इसमें। और मूली और हरी चटनी डाल के हमारे राम लड्डू तैयार हो गए हैं। अगर मैं कुछ और मिस कर रही हूँ तो वो है लाजपत नगर में शॉपिंग, अदरवाइज़ राम लड्डू तो बिल्कुल एग्जैक्ट टेस्ट दे रहे हैं गाइस। सो इफ़ यू लाइक द रेसिपी डू हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। चटनी बहुत टेस्टी और बड़ी खट्टी बनी है, सो डू ट्राई द रेसिपी। सी या, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।